मकसद हमारा नेकी करना है। ये है जनाब वो अलम, कितना खूबसूरत दरवाजा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फायजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फायजा डार व्लॉग। तो आज है जुमेरात और जैसा कि आप सबको पता है कि जुमेरात वाले दिन मैं कोई होली प्लेस, कोई दरबार या कोई इमाम बारगाह एक्सप्लोर करती हूँ। उसके साथ साथ बनाते हैं हम लोग न्याज, समटाइम बाहर से ले लेते हैं और कभी घर से बना लेते हैं। तो इस बार मुर्शद का हुक्म था, हमारी जो माँ जी हैं उन्होंने कहा था कि चने वाले चावल बनाओ घर में। तो हमने थोड़े से चने वाले चावल बनाए हैं और बाहर निकल के देखती हूँ, थोड़े से जूसेस वगैरह ले लेती हूँ। और जो होली प्लेस एक्सप्लोर करनी है उसके बारे में हमने इस बार डिसाइड किया है कि हम कोई ऐसी प्लेस एक्सप्लोर करें जो जहाँ जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो यहाँ जीटी रोड पे अक्सर हम लोग गुजरते हैं, मैं और मामा, तो हम लोग देखते हैं कि एक ज़ियारत है जिस पर बाहर काफ़ी मौला गाजी अलैहिस्सलाम के अलम पाक लगे हुए हैं, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो किसकी ज़ियारत है और क्या है। तो दिल बड़ा करता था कि गुजरे हैं तो अंदर जाएँ और उनसे पूछें कि ये कौन सी ज़ियारत है, किसकी है। तो आज ऐसा करते हैं कि उस ज़ियारत पर जाते हैं और जाके देखते हैं। बाहर से तो वो बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर जाके देखते हैं कि वो किस हस्ती की ज़ियारत है। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे देखें, मामा आप डालें इनमें। अस्सलामुअलैकुम, या अली मदद, पीर मौला अली मदद, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा बनाया। हाँ जी, चने वाले चावल। ओहो, चने वाले चावलों की ना अपनी बात है, स्पेशली जो देग वाले होते हैं ना, चने वाले, चिकन भी है। अच्छा सॉरी, चिकन भी है, चने भी हैं और आलू भी है। अच्छा, चिकन, आलू और चने वाले चावल इस बार मामा ने बनाए हैं। और ये हैं 14 बॉक्सेस। इन 14 बॉक्सेस में अभी हम इनको डालते हैं, पैक करते हैं और दुआ करवाते हैं, फिर बाहर जाएंगे और बांटते हुए जाएंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं गाड़ी में न्याज रख लेती हूँ और फिर निकल पड़ती हूँ। तो जिस जिस की नसीब में होती है, जो जो रास्ते में मुझे नज़र आता है, मैं उनमें ये न्याज जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तकसीम कर देती हूँ। तो ये देखें जी, ये जो है नज़र के, ये मामा ने नज़र का एक निकाल दिया है बाउल जो मुर्शद खाने जाएगा, और ये बांटने के लिए हैं बॉक्सेस। मामा मैं डालूँ? आप थक गई होंगी बेचारी, सुबह से किचन में लगी हुई हैं। मैं थोड़ी देर सिर्फ डालने के लिए इधर आई हूँ किचन में, और यकीन करें मैं पसीने से भर गई हूँ। मामा आप कैसे किचन में गर्मी में काम करती हैं? ऐसे जैसे जैसे सारा काम इसने किया है। जी, धुआं धुआं पड़ रहा है, गर्म गर्म पंखा लगाओ। पंखा नहीं, फिर उसमें आवाज नहीं आती। आपको पता है पंखा लगाए ना तो व्लॉग में आवाज ही नहीं आती। तो आसान नहीं है गर्मी में शूट करना। चलें जी, अब इनको करते हैं बॉक्सेस को बंद, और तब तक मामा बना रही हैं सबील। सबील बना लिया? अच्छा, ये सबील भी बना लिया मामा ने, लेकिन जो बांटनी है ना उनके लिए मैं बाहर से लूंगी जूसेस। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर के पास है स्टोर, ठीक है, आप उन्हें क्या कहते हैं, मार्ट, हाँ मार्ट कहते हैं, ठीक है। मेरे घर के करीब जो मार्ट है, जो शॉप्स हैं, उन पर जौन सा भी जूस का कॉटन पड़ा होता है मैं ले लेती हूँ। मैंने देनी होती है न्याज, ठीक है, न्याज, और उसके साथ मैं देती हूँ सबील भी देती हूँ मौला के नाम की, ठीक है, जूस हो जाए या जो भी। तो जौन सा भी ब्रांड पड़ा हुआ होता है मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं लेती पाकिस्तानियों की दुकान से हूँ, मुसलमानों की दुकान से हूँ, और मैंने न्याज के लिए लेनी होती है, तो मुसलमान अगर रखे ही नहीं तो मैं मुसलमानों से लूँ ही नहीं। जो नीचे सारे कमेंट करते हैं, आप लोग नियत देखा करें, मैंने नियत, मेरी नियत न्याज की होती है, और जो भी अवेलेबल करीब शॉप्स में होते हैं कॉटन, जिस भी ब्रांड के होते हैं, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं उस ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ या ये है या वो है। मकसद हमारा नेकी करना है, मकसद मेरा तो न्याज बांटना है, किसी की नेकी में से भी नुकसान निकाला करें खुदारा,
किसी के अच्छे अमल को तो अच्छी नजर से देखा करें। तो निकलते निकलते मामा ने मुझे दे दी चाय और उसके साथ ये। अच्छा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कौन कौन मेरी तरह मीठा लवर है और किस किस को क्रोसन और डोनट्स पसंद है। मुझे चाय बहुत पसंद है, सर्दी हो या गर्मी। गर्मियों में थोड़ी कम पीती हूँ, सर्दियों में मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी कम पीती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ चाय नहीं पीती, चाय के साथ मीठा हमारे घर में मस्ट है। अम्मी, मेरी बहनें सब चाय के साथ बिस्किट्स या क्रोसन या फिर क्या कहते हैं उसको, डोनट्स। चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कौन कौन कहता है कि चाय के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए और कौन कहता है कि सिर्फ चाय होनी चाहिए। तब तक मैं ये पीती हूँ चाय। तो चलें जी, अब हम लोग जा रहे हैं उस ज़ियारत पे। इनफैक्ट हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बल्कि ये इधर ही जीटी रोड पर ज़ियारत है। ये मैं आपको वहाँ जा के दिखाती हूँ। ये है इस ज़ियारत की बाहर से मेन एंट्रेंस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है जनाब वो अलम जो हम बाहर से देखा करते थे और सोचते थे कि ये कौन सी ज़ियारत है। क्या है ये देखें, ये नादे अली लिखी हुई है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नादे अली مزر العجائب تجد عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي ادركني في سبيل الله। देखो कितनी खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको अंदर चल के ज़ियारत करवाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक भाई बैठे हुए थे, उनसे पूछा है कि यहाँ के कोई साजादे, यहाँ के कोई पीर, कोई गदी नशीन है तो हमें बताएं ताकि हम उनसे इनकी इन्फॉर्मेशन लें, ताकि आप लोगों तक मैं सही इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो उन्होंने कहा शाहजी हैं, वो अभी थोड़ा मसरूफ़ हैं, नमाज़ वग़ैरह अदा कर रहे हैं, तो वो जैसे ही आते हैं और मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। उनके आने तक मैं आपको थोड़ा डिटेल में अंदर से ज़्यारत करवाती हूँ, ठीक है। ये देखें, जैसे वो आते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं तो शाहजी से हम मिलते हैं और फिर पूछते हैं ज़ियारत के बारे में, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। उनके आने तक मैं आपको डिटेल में ज़ियारत करवा देती हूँ। ये जो है बाहर से है सारी ज़ियारत, बहुत ख़ूबसूरत ज़ियारत है ये माशाल्लाह। और ये देखें, ये डालियाँ पड़ी हुई हैं। ये मेरे ख़्याल से जब उर्स और मेले लगते होंगे यहाँ पर तो ये सब डालियाँ निकलती होंगी। कितनी ख़ूबसूरत लग रही हैं ये, देखें कितनी प्यारी डालियाँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पर भी कब्रें बनी हुई हैं, ये देखें। अब आपको लेकर चलते हैं अंदर। कितना खूबसूरत दरवाज़ा है, लिखा हुआ है, ये इनका नाम है मुर्शद सैयद सैदन कलंदर पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह बुखारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد पकड़ के
तो निराले मेरे पीर सारे, जग तो निराले चुन चुन के चुन वाले, क्या गर्ज मैं कूं गैरां दे नाले, क्या गर्ज मैं कूं गैरां दे नाले, गैरां तो वध के तू वध के खुद पुर वकारा है, याली लम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं लगाने लगी थी नारा और दुआ ने लगा जी। तो शाह जी आए थे और उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, उनका नाम मैं नहीं ले सकती क्योंकि बाद में फिर बहुत सारी चीज़ों पर इशू बनाया जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये जो मेन मज़ार है ये 200 साल पुराना है, यहाँ की बुनियाद ही रखी थी सैयद सरवर अली शाह बुखारी ने, और बाहर जितनी भी इनकी आल औलाद है उनकी कब्रें हैं, और ये बुखारी सैयद हैं, बुखारी सादात हैं ये, और यहाँ की बुनियाद इन्होंने ही रखी थी 200 साल पुराने, और इनका जो ताल्लुक़ है वो उच शरीफ से है। और बाहर जितनी भी मैंने आपको कब्रें दिखाई थी वो सब इनकी बेटियों की, इनके बेटों की है, उनकी आल औलाद की है। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत होगी और अपने साथ साथ आप सबको भी करवा दिया है, अल्लाह ताला हम सब की ज़ियारत को कबूल करें। और अपनी बहन के भुलक्कड़ दिमाग की ज़रा कहानी सुनिए। जूसेस लेने थे और जूसेस मैंने लिए ही नहीं, तो अभी मुझे एकदम शुक्र है याद आ गया टाइम से, और मैंने अम्मी को भी ये भेजा है तहजीब पर। रास्ते में तहजीब आया, कोई और शॉप नज़र नहीं आई, मैंने कहा तहजीब पर जाएँ और अगर कॉटन मिलता है तो कॉटन ले आएँ, नहीं तो खुली जूसेस की बॉटल्स ले आए जो भी अवेलेबल है। तो मामा लेकर आती हैं और फिर रास्ते में बांटते बांटते हुए जाते हैं कहाँ दुआ को ड्रॉप करने। दुआ को ड्रॉप करने के बाद हम लोगों ने जाना है एयरपोर्ट। मैं देखती हूँ अभी, कोऑर्डिनेट करती हूँ ईमान और फिजा से। सुंदर वापस आ रही है माशाल्लाह से एक हफ्ते के बाद शाम की ज़ियारत करके, तो सुंदर को मिलने जाना है। अगर मैं टाइम से यहाँ से फ्री हो गई और पहुँच सकी एयरपोर्ट के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट सुंदर के घर चले जाएंगे। पहले ये न्याज से और दुआ को ड्रॉप करने से फ्री हो जाएं, अय अल्लाह मेरी आंखों की वजह, न्याज से फ्री हो जाएं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। मामा आ गई हैं जूसेस लेके, दिखाएं जी कौन से जूसेस मिले हैं हमें। दुआ मैंगो फ्लेवर में मिले हैं, और ब्रांड कौन सा ब्रांड अच्छी ब्रांड यही थे उनके पास। कौन सा ब्रांड है? शेजान। न्याज न्याज होती है मेरे भाई और बहनों, न्याज न्याज होती है। ठीक है, क्या मिल गया? मिल गया इसको देखो, मैंने इन लोगों को भेजा है कि न्याज के लिए जूस लेने जाओ, इसकी अपनी शॉपिंग है। क्या बचपन में खाती थी, ये जब मैं ले जाती थी तहजीब। दिखाओ क्या, दिखाओ 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 क्या। ज़ारा के लिए मैं एक चीज लेकर आती थी ना तहजीब से, ये बहुत खाया करती थी। हाँ, मैं तो भूल ही गई ज़ारा। कितने प्यारे लग रहे हैं, न्याज में बंदा पहुंच सकता है। ये इतने मजे की हुआ करती थी ये ज़ारा, बहुत मजे से खाती थी। खोलो जरा। अच्छा ये उस दिन मुझे कह रही थी आप भी मेरे लिए आप ना वो गाजर और डिफरेंट डिफरेंट शेप की मीठी मीठी सी कोई डिजर्ट होती थी, मुझे याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है। ये क्या दिखाओ, ये वही है, ये देखो मी गाजर और लीमू और वो चीजें बनी हुई है, गाजर और मूली। पकड़ो ये, बचपन में 10-10 डब्बे आते थे। चलें जी जूसेस भी आ गए हैं और अब चलते हैं और न्याज पहुंचाते हैं हकदारों को। रुकिए आमीन आमीन। ले ले और डब्बे हैं, ले ले। जी तो हमें जाना था नानों को देखने के लिए, इसलिए एयरपोर्ट जाना हम लोगों ने स्किप किया। मैंने फिजा और ईमान से कह दिया कि हम लोग एयरपोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग जाते और वो वहाँ पे इतनी देर खड़ा भी होने ना देते, तो मैंने उनको कहा है कि तुम लोग एयरपोर्ट जाओ, मैं डायरेक्ट घर आ जाऊँगी सुंदर को मिलने। फिर इस तरह ये होगा कि हम तब तक बाकी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने सदर अभी क्रॉस किया, मेरा दिल किया कि मैं ना रबरी फलूदा पी लूँ। हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग यहाँ पर आया करते थे पापा के साथ और यहाँ का रबरी फलूदा पीते थे। मामा को भी पसंद था, पापा को भी पसंद था, है ना मम्मी? बहुत बहुत ज़्यादा पीते थे हम लोग बच्चे। तुम छोटे छोटे थे तो कहते थे मामा मैंने ये पीना है,
तो किंजा कह रही थी मैंने नहीं पीना। किंजा के यही तमाशे थे, किंजा अभी भी जबरदस्ती हम उसको दूध और देसी घी और ये सब। ओ हमारा रबड़ी फलूदा आ गया, ये लो मामा, ये लो जारू। चलें जी बुके हमारा आ गया, ऐसे इसको यहाँ रखें शॉपर में डाल दूँ क्या? और माला माला गजरे नहीं पड़े हुए? गजरे मिलेंगे, दो गजरे दे दे। जी गाइस तो हम सुंदरी के घर आ गए हैं, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। हाँ ना हमारी कोई कॉल पे बात हो सकी, चले अब और आने भी बारी यहाँ दो गल खत्म। जाते हुए इमाम जामिन बांधा था और आते हुए गजरे। नहीं आपके तो मैं व्लॉग में नहीं लूंगी, फिर कसीदा भूल जाते हो। अभी लेती हूँ ये मैं बांधूंगी ना, सारे यहाँ बांधो। चल तुमने गुलदस्ता यार, मैं ये बांधूंगी ना। चल ले चल ले तू यार, इधर तो अम्मी आपकी दोस्त है मेरी दोस्त है भाई। ये बांध बांध तू बांध चल। रुको रुको फिर मिलो अम्मी, अम्मी आज मुबारक हो आपको आंटी। कैसे हैं आप? सब याद आ गया तो मैंने मिलना ही था, क्या मतलब है आपको देख के याद आई है? ठीक है सारा बेटा, ईमान की तरह उससे मैं मिली नहीं। ठीक है आंटी, ईमान को किस चीज की मुबारक देनी है आपने? ईमान से नहीं चाहिए, ईमान मुबारक हो। मैं ऐसे तुम्हें लाहौर की मुबारक मुबारक, लाहौर की जबान। हम छोटी बीबी के दोबारा सुनने सब वही निशान अभी तक नहीं गए। हाँ ये तो मैं तुम्हें बताऊंगी ना, अभी ठहरो के काट लो ना। सईदा सुंदर नकवी जरात मुबारक। टिशू नहीं रखे यहाँ? सुंदस बन गई है फूलों की सरकार। चुप करो, इतनी चाँच चाँ इस लड़की ने मचाई है। चलें जी आज इतने दिनों के बाद मैं और सुंदस एक साथ खाना खा रहे हैं, इस पे शोरबा भी डाल देते। चिकन तुम अपने लिए डाल लो, शोरबा मेरे लिए डाल। आंटी को आंटी की बात सुनो क्या अम्मी? सात दिन नजर पड़े थे, सदिया नहीं बिछड़ी। सात दिन ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं सात साल है। ये लोग इतनी जेलस हो रही थी, लाहौर वाला जो ट्रिप था ना ज़ियारात का हमारा, मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहूँ यार सुंदर। अच्छा लोग भी पूछ रहे थे आपकी फ्रेंड नहीं आई, आपकी फ्रेंड नहीं आई। मैंने कहा आप लोग ब्लॉग नहीं देख रहे, वहाँ लोग सब पूछ रहे हैं ना आपकी फ्रेंड नहीं आई, आपकी फ्रेंड नहीं आई। मैंने कहा मेरी फ्रेंड शाम गई नहीं है इसलिए, वरना वो मेरे साथ ही होती। तो ये दोनों इतनी जेलस, इनका कोई पूछ नहीं। ये जुड़वा रही थी मुझे कौन खिलाएगा? ये लो बेजरा मौला, मेरी जान से नसीब अच्छे तेरे। इतने मज़े की बारिश हो रही है, वेदर इतने मज़े का हो गया है। हम घर आए हैं और ये देखें कितने मज़े की बारिश हो रही है। वाओ मौला जी। जनाब हम घर वापस आ गए हैं और अभी सुंदस रोक रही थी कि बैठो बैठो बैठो, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं तुम इतना सफ़र करके आई हो, थक गई हो, रेस्ट करो, हम अभी घर जाते हैं, तुम आराम से सो जाओ। कहती है नहीं सात दिन नहीं थी, बड़ी बातें करनी है। मैंने कहा बातें कर लेंगे, तू सफ़र करके आई है, रेस्ट कर, इंशाल्लाह कल परसों का प्लान बनाते हैं, मिलते हैं आराम से बैठेंगे,
खूब सारी बातें करेंगे। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और दुआ में रखिएगा मुझे याद। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।